Assalamualaikum. How are you all? Hope you are doing well. So I am Ifa and welcome back to my YouTube channel Ifa's Creative Vlog. So आज मैं आप लोगों के साथ अपना मेकअप कलेक्शन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ. So मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ अपना मेकअप कलेक्शन शेयर करूँगी. तो आज मैं अपना मेकअप कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ. So जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. So ये वीडियो एंड तक की देखना. मैं अपना सारा मेकअप कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ. So let's get started. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने फेस वॉश से, जो है खादी का हर्बल रोज़ फेस वॉश. ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप के लिए है और इसके प्राइस हैं 195 रुपीज़. ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है. अगर आप लोगों को इसे बाय करना है तो मैं इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा. ओके, तो सेकेंड मेरा यहाँ पे रखा हुआ है हुदा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर. और ये सेकेंड हुदा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर ये मैं यूज़ करती हूँ और ये मेरा है हेयर ग्रोथ सीरम केरा एक्सेल का. तो हम ना इसको यूज़ कर रहे थे बट अभी हमने इसको यूज़ करना बंद कर दिया है. ओके, तो ये दोनों हो गए मेरे मेकअप फिक्सर और यहीं पर ही मेरी डेली यूज़ की लैक्मे 925 CC क्रीम रखी हुई है. ये भी बहुत अच्छी क्रीम है. ओके, तो नेक्स्ट मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट डॉक्टर एलिस का प्रोफेशनल विटामिन सी फेस सीरम. ये बहुत ही अच्छा सीरम है. ये ना हमारी डैमेज और डल स्किन को वाइटनिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके, तो जब से हमने ना इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है तो ये ना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गया है. इसको ना मेकअप से पहले यूज़ करने से ना आपका मेकअप ना बहुत ही ग्लोइंग और अच्छा होने वाला है. ओके, तो हम ना इसका प्राइस आप लोगों को बता देते हैं. इसका प्राइस है 549 रुपीज़ ओनली. तो अगर आप लोगों को इसको बाय करना है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा. ओके, तो उसके बाद यहाँ पर रखा हुआ है क्यूट सा किस ब्यूटी का लूज पाउडर. इसको ना हम बहुत कम यूज़ करते हैं. इसको ज़रा सा भी अगर फेस पे लगा लेते हैं ना तो पूरा फेस शाइन करने लगता है, मतलब ऐसे वो चमकीला चमकीला नहीं हो जाता है उस टाइप का. ये देखिए. ओके, तो इसके प्राइस ना इस पर नहीं मेंशन हुए हुए हैं. उसके बाद है ये मेरा कंसीलर HD लिक्विड कंसीलर. तो इसकी पैकेजिंग हम दिखाते हैं आप लोग को. ये बहुत अच्छा कंसीलर है, इसको भी हम यूज़ करते हैं. इसकी पैकेजिंग इस तरह की है, सिंपल सी ऐसे इस टाइप में. और इसके प्राइस हैं 195 रुपीज़ ओनली. तो अगर इसको भी बाय करना हो आप लोगों तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा. ओके, और ये भी यहीं पर रखा हुआ है. तो ये हो गया मेरा कंसीलर. और उसके बाद है यहाँ पे रखा हुआ वह है ये मेरे प्राइमर. और इसको ये ना मेरे पास दो हैं तो हम ये दोनों ही यूज़ करते हैं. देन यहाँ पे रखा हुआ है मेरा मॉइस्चराइज़र निविया का. सारी चीज़ों में ना सबसे ज़्यादा आजकल जो ना मॉइस्चराइज़र यूज़ हो रहा है मेरा, बहुत अच्छा निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र है. और इसके प्राइस हैं 185 रुपीज़ ओनली. तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा. उसके बाद ये रखे हुए हैं मेरे कॉम्पैक्ट पाउडर. ये दो हैं, नहीं तीन हैं. तो इसमें ना सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो है ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट 40 SPF अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट. इसके अलावा मेरे पास दो कॉम्पैक्ट और हैं, उसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं. तो सबसे ज़्यादा हम ये वाला कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं. तो ये हम आपको इसकी पैकेजिंग दिखाते हैं अंदर से. ये येलो कलर में है.
बहुत क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी, ये देखिए मुझे बहुत प्यारी लगती है। बहुत क्यूट सा एप्लीकेटर मिला है ये है इसके साथ, तो इसको हम काफ़ी यूज़ भी कर चुके हैं। ये देखिए ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, और ये दोनों जो हैं इसको बहुत कम ही यूज़ करते हैं, बट ये भी यहाँ पे रखे हुए हुए हैं। ओके तो इसको तो बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं करते हैं, बस ये यहाँ पे रखा हुआ है, हमने ये ऐसे ही बाय कर लिया था, बट इसको यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर लैक्मे का ही यूज़ करते हैं। तो उसके बाद ये रखी है मेरी ये लैशेस, और हमने ना एक अपना ये फ़ोन का मोबाइल बॉक्स था मेरे पास, उसको ना हमने एक इसमें सब स्टोर करके रखा हुआ है। ये सारी मेरी लैशेस हैं, और इसमें से कुछ कुछ हैं मतलब दो तीन जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये देखिए मैंने लगाई थी तो ये एक टूट भी गई थी, और ये सारी इसी में रखी हुई भी हैं, और मेरे हेयर बैंड्स और छोटी छोटी से स्पॉन्च वगैरह सब इसमें ही रखे हुए हैं। तो हमने ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस बना के रखे हैं जिसमें मैंने सारी चीज़ों को स्टोर किया हुआ है। ये मेरे हेयर बैंड्स हो गए, और इसमें बहुत सारे स्पॉन्च रखे हुए हैं, ब्यूटी ब्लेंडर हैं, और इसके अलावा यहाँ पे वाइफ्स रखी हुई हैं, रोज़ वाइफ, तो इसको भी हमने इसी के अंदर सेट करके रखा हुआ है, ये बहुत यूज़ में आती हैं। और यहाँ पर मेरी सारी रखी हुई हुई हैं लिपस्टिक्स, तो ये सब मतलब ये सब इसमें से कुछ न्यूड शेड हैं और कुछ डार्क हैं। तो ये है क्यूज़ल की न्यूड लिपस्टिक, इसका शेड है 56, बहुत ही प्यारा, मतलब इसमें जो जितने भी मतलब कलर्स हैं वो बहुत प्यारे प्यारे हैं। आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसमें जितने भी कलर्स हैं वो सब मेरे फेवरेट हैं, मतलब सब हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मैट लिपस्टिक तो ज़्यादातर हमें ना ब्लैक मैट लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे तो लिपस्टिक हम इतनी यूज़ नहीं करते हैं। हाँ बट ये है रेड, ब्लड रेड, ये देखिए आई लव इट, बहुत ही प्यारी वेलवेट टाइप लिपस्टिक है, बहुत प्यारी प्यारी इसमें से सब शेड हैं। और ये हैं लिप बाम, ये विंटर में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ऐसे भी यूज़ करते हैं, ये सब ऐसे रखे हुए हैं, मतलब ये डेली यूज़ पे यूज़ करते हैं हम, अलग अलग तरह के हैं, ये ग्लेटर टाइप में है लिप बाम, और ये सब
दिखाते हैं अपने फाउंडेशन का कलेक्शन। तो मेरे पास ना काफ़ी सारे फाउंडेशन हैं, तो ये वाला फाउंडेशन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसके बाद है ये लैक्मे का फाउंडेशन, तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना हम डिटेल दे देंगे, अगर आप लोग को चाहिए होता तो आप लोग वहाँ से बाय कर लीजिएगा। और ये है मेबलिन का वेलवेट फाउंडेशन, तो ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है, मतलब इसको इसे बेस मतलब बहुत अच्छा बनता है, तो इसको भी यूज़ करते हैं हम जब भी मेरा मन करता है। तो ये है फिटमी का फाउंडेशन, तो इसका शेड जो है ना वो गलत आ गया था मुझसे, तो इसको हम मतलब ये मेरा शेड नहीं है, तब भी हमने इसको रिटर्न नहीं किया था, बस ये मेरे पास आ गया और तब से हमने वापस ही नहीं किया। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसके भी प्राइस और इसकी डिटेल हम इसके प्राइस जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, मतलब मेरा फेवरेट हो गया ये भी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक और फाउंडेशन है हुडा ब्यूटी का, तो ये भी हम यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, पर ज़्यादा नहीं, कभी कभी। ओके, तो उसके अलावा भी एक और फाउंडेशन है, तो ये पूरा मतलब यूज़ करके ख़त्म कर चुके हैं, इसमें थोड़ा सा ही बचा है। मतलब फाउंडेशन ना लेते रहो ना एकदम राइट शेड नहीं मिल पाता है कभी कभी। तो ये हाइलाइटर एंड कॉन्टोर स्टिक है ये मेरे पास, इसको हमने मतलब यूज़ हमें इसको यूज़ किया ही नहीं है, हाँ इसको यूज़ नहीं करा है हमने। तो ये है कॉन्टोर 3D ब्लैम किस ब्यूटी का, तो इसकी हालत देख रही क्या हो गया, जब से आया ना ये तब से ऐसे ही है, इसको हमने एक बार भी यूज़ नहीं किया और ये लग रहा है ना कि कितनी बार यूज़ कर चुके हैं। तो ये भी यहीं पे रखा हुआ है फाउंडेशन के साथ। ओके, तो इसके प्राइस हम आप लोगों को बता देंगे, इस पर शायद प्राइस नहीं मेंशन हुए हुए हम बता देंगे आप लोगों को। ओके, तो ये ना मतलब मेरे पास छोटे छोटे से बॉक्स पड़े हुए थे, तो हमने ना इसको इस तरीके से सारे फाउंडेशन को मतलब हर सारे सारे मेकअप को मतलब ऐसे छोटे छोटे फाउंडेशन मतलब बॉक्सेस में स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये है मेरा कोम का मतलब सेक्शन, ये बहुत प्यारा सा कोम है। और ये है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, और इसी के अंदर मेरा रखा हुआ है आई लैशेस कलर भी है इसी में, और ये है लैशेस ग्लू, इसे हम लैशेस को लगा लेते हैं बहुत ही इजीली, ये दोनों यहीं पे रखे हुए हैं। अच्छा, अगर मुझसे ना अगर कोई भी चीज़ मतलब मेकअप में अगर कोई भी मेकअप छूट जाता है जो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैंने किस चीज़ का रिव्यू नहीं दिया आप लोगों को। ओके, तो ये सब इसी में रखा हुआ है। इसके अलावा ये है मेरे ब्यूटी ब्लेंडर का पैकेट, तो जो हमने इसको अभी ओपन नहीं करा है, ये ऐसे ही आया था और जब से ये ऐसे ही रखा हुआ है हमने इसको भी ओपन नहीं किया है। इसमें भी बहुत क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर है। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स, मुझे बताइएगा कि आप लोग कौन सा फाउंडेशन यूज़ करती है, और मेरे मतलब सारे फाउंडेशन के कलेक्शन में आपका कौन सा फेवरेट है। तो उसके बाद है ये मेरे नेल पेंट का कलेक्शन, तो ये है बहुत क्यूट सा येलो नेल पेंट, मतलब ये ना पूरा सेट है 12 का सेट, तो ये मुझे इसी बॉक्स में मिला था, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं और ये सारे कलर्स इतने ज़्यादा प्यारे हैं।